देखिए अभी 23 जुलाई ट्यूसडे को हमारा इंडिया का बजट आने वाला है, और इस बजट में मतलब बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं। देखिए मैं इस वीडियो में मेरा खुद का ओपिनियन शेयर करूंगा, आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। पहली बात तो देखिए इस वाले जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है पिछले वाले से। पिछले वाले जो बजट हुआ था, ठीक है, जो मेजोरिटी के साथ बीजेपी गवर्नमेंट आया था, इस बार तो मेजोरिटी के साथ नहीं आया, ये तो आप सभी लोगों को पता ही होगा। और दूसरी बात ये है कि जो पहले बीजेपी का एक मनमर्जी चलता था कि हम लागू कर देंगे, मतलब यही होगा, लोगों को मानना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था साफ कि अगले बार तो गवर्नमेंट हमारा ही आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। कांग्रेस का हाल तो ऐसे ही ख़राब है, उतना तो अच्छा है नहीं, और अभी भी देखा जाए कांग्रेस का हाल उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ, जो इंडिया अलायंस है उसका हाल थोड़ा सुधर चुका है, ठीक है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट को ये बात ज़रूर ध्यान में होगा कि मेजोरिटी के साथ ये इस बार वो गवर्नमेंट नहीं बना पाए, तो उस हिसाब से देखा जाए तो कुछ अनप शनप करने की कोशिश शायद ना करें निर्मला सीतारमण, और निर्मला सीतारमण के साथ जो भी बजट के पीछे जो भी दिमाग है, जिसका भी दिमाग है, वो उनको शायद ये बात अच्छे से पता लग चुका होगा, ठीक है। और दूसरी बात ये टैक्सेशन के ऊपर जो भी है, क्योंकि अभी जो करंट टैक्सेशन है 1 लाख कैपिटल गेन के ऊपर, मोर देन 1 लाख कैपिटल गेन के ऊपर जो 10% टैक्सेशन का रूल्स है, तो वो शायद कुछ रिलैक्सेशन कर सकता है। 10-12 लाख तक तो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, पता नहीं गवर्नमेंट को करने को कुछ भी कर सकता है, ठीक है। स्ट्रांग दिखाने के लिए इस बार गवर्नमेंट खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए शायद कुछ बोनस पॉइंट भी ऐड कर दे, ठीक है, शायद जो ट्रेडर के शायद जो भी वो रिमोट चल रहा था कि उसको भी शायद जुआ जुआर की तरह बोला जाएगा कि 30-40% शायद कितना पता नहीं उसको टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर, और लॉस होने पे कुछ भी उसका कंपनसेशन नहीं किया जाएगा, तो वो बात शायद ना बोला जाए बजट में, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कुछ ना बोला जाए, एक बात और ध्यान रखने वाली है, अगर कुछ ना बोला जाए तो भी नेगेटिव के बारे में अगर कुछ ना बोला जाए तो भी वो मतलब एक अच्छी बात है। अगर कुछ भी डिस्कस ना किया जाए नेगेटिव कुछ बातों के ऊपर तो भी अच्छी बात है, अगर कुछ डिस्कस कर लिया नेगेटिव के ऊपर तो मान लीजिए मार्केट तो क्रैश होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अगर डिस्कशन किया है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए, क्यों आगे आने वाले समय पे वो लागू हो सकता है। और मेरे को जो पॉसिबल लगता है कि इस बार शायद उतना कुछ नेगेटिविटी नहीं आएगा, रिलैक्सेशन भी होगा टैक्सेशन पे, टैक्सेशन के ऊपर, और मंगलवार के दिन मार्केट ऊपर भी जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। क्यों? क्योंकि आज अगर देखा जाए, सॉरी आज तो शनिवार है, शुक्रवार अगर देखा जाए 19 जुलाई को मार्केट अच्छे तरीके से करेक्शन किया है, और मेरे को लगता है सोमवार के दिन भी जो 21 20 शायद 2 जुलाई, हाँ 22 जुलाई को भी शायद मार्केट और करेक्शन दे, ताकि 23 जुलाई को थोड़ा बहुत मार्केट को, थोड़ा बहुत नहीं अच्छे तरीके से मार्केट को अब मूव किया जाए, ठीक है, ताकि दिखाया जाए दुनिया के सामने कि बजट के दिन हमारा मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म किया, कि मार्केट को हमारे से उम्मीद यही था और हम उस बजट पे खरा उतरे हैं। निर्मला सीतारमण या फिर जो भी फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है वो ये इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, मेरे को जब तो लगता है। क्यों? क्योंकि अब एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि जब इलेक्शन रिजल्ट आया 3 जून को, ठीक है, उसके पहले मार्केट करेक्शन नहीं हुआ था, उसके पहले मार्केट लगातार भागते ही रहा था, भागते ही रहा था। क्यों? ये एक्सपेक्टेशन लेके कि बीजेपी भी आने वाला है इस गवर्नमेंट के इस बार, और मेजोरिटी के साथ आने वाला है, लेकिन हुआ उल्टा, मेजोरिटी के साथ नहीं आया, उसके ऊपर तो डर का माहौल बना हुआ था। तो इसलिए जो 3 जुलाई को एक्सपेक्टेशन था उसके पहले मार्केट करेक्ट नहीं किया था, ठीक है, और ये बात कहीं ना कहीं सबको पता था, अंदर में सबको पता था, ठीक है। और इस बार जो हुआ है थोड़ा उल्टा हुआ है, अभी मार्केट करेक्ट होने लगा है, सोमवार तक मेरे को लगता है और भी थोड़ा करेक्ट हो जाए ताकि मंगलवार थोड़ा बहुत अप मूव दिखा पाए। तो मेरे को तो साफ साफ यही लगता है कि बजट में शायद नेगेटिविटी कुछ ना आए इस बार, पॉजिटिविटी ही होगा, और टैक्सेशन के ऊपर शायद छूट मिल सकता है, तो टैक्सेशन के ऊपर छूट मिलेगा तो सबका ही अच्छा है, और बैंक के ऊपर कुछ बोल दे तो देखा जाएगा आगे जो भी होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।